थैंक्स टू पासीघाट प्रेस क्लब आज हमारे साथ जोड़ने के लिए। आज अदिबाने केबांग यूथ विंग का यहाँ आने का मकसद है, हम यहाँ दो पॉइंट लेके आया है इस प्रेस ब्रीफिंग का माध्यम से। हमारे ये दो पॉइंट को सारे व्यूअर्स को बताना चाहेगा। पहला है 30 सितंबर 2024 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश को हम लोगों ने 7 पॉइंट का एक मेमोरेंडम दिया हुआ है। एंड सेकंड, हमारे आने वाला सेकंड एडिशन ऑफ आदि यूथ फेस्टिवल, जो कि हमारे आदि यूथ के लिए है, आदिवासी केबांग यूथ विंग का एक कैलेंडर इवेंट है जो आने वाला आपका नवंबर 8 से शुरू होकर 10 तक होगा। नवंबर 8, 9, 10 में ये इवेंट होगा। इस आदि यूथ फेस्टिवल के दौरान हमारा इवेंट्स है, स्पोर्ट्स इवेंट्स है, कल्चरल इवेंट्स है एंड लिटरेरी है। तो स्पोर्ट्स इवेंट्स में हमारा फुटबॉल, आर्चरी, बैडमिंटन एंड बम्बू रेस इन लोकल लैंग्वेज लकोंग, बहुत सारा और भी है जिसको आप जानने के लिए हमारा चेयरमैन स्पोर्ट्स श्री विश्वजीत तांग से आप संपर्क करके जान सकता है। एंड रिगार्डिंग दिस लिटरेरी इवेंट, यहाँ भी आपका ऐसे राइटिंग्स है एंड स्टैम्पोर स्पीच बहुत सारा है। एंड एक हमारे यूथ पार्लियामेंट भी होगा, जिसके लिए मैं ऑल व्यूअर्स को अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इस यूथ पार्लियामेंट के दौरान सब पार्टिसिपेट किया आइएगा हमारे गिरिनोदको में, गिरिनोदको पासीघाट में। एंड लिटरेरी इवेंट का बारे में अगर आपको कुछ क्वारी करना है तो हमारा एजुकेशन सेक्रेटरी कम लिटरेरी इवेंट चेयरमैन श्री गिगे परतीन से आप संपर्क करिए। रिगार्डिंग कल्चरल इवेंट, यहाँ में हमारा फोक डांस कंपटीशन है, सोलो सॉन्ग कंपटीशन है एंड मिस आदि है, जो कि मिस आदि का 3rd एडिशन होगा, जो हम एबीके यूडिंग हर साल इसको कंडक्ट करता है। तो इसके लिए कल्चरल इवेंट के लिए हमारा कल्चरल चेयरमैन कातम दाई को संपर्क कर सकता है। एंड हमारा ये इवेंट्स को, ये यूथ फेस्टिवल को कराने का मकसद है हमारे दूर दराज में बैठे, गांव गांव में, कोना कोना में बैठा हुआ हमारे आदि भाई आदि बहन जो है, उसका टैलेंट को हमको दुनिया के आगे एक्सप्लोर करना है। इसी मोटो से हम ये इवेंट्स को कराते हैं। और जितना भी हमारा यहाँ डेलीगेट्स आएगा स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए, कल्चरल इवेंट्स के लिए, आपका लिटरेरी इवेंट्स के लिए, वो अपना अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स सेक्रेटरीज को संपर्क करके थ्रू हमारा डिस्ट्रिक्ट यूनिट का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज है उसका थ्रू से आएगा, एक्सेप्ट हमारा जो मिस आदि होगा वो ओपन टू ऑल है, प्रोवाइडेड वो बाई बोर्न आदि होना पड़ेगा। एंड फुटबॉल भी ओपन टू ऑल है, आप कोई भी टीम बना के आ सकता है, कोई भी क्लब के नाम से खेल सकता है, प्रोवाइडेड खिलाड़ी जो होगा एंड प्लेयर्स जो है वो बाई बोर्न आदि होना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, रिगार्डिंग द मेमोरेंडम सबमिटेड टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तो उसके बारे में हमारे रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट आदिबाने केबांग यूथ विंग आपको वो ब्रीफ कर देगा। आगाम पे तका मैम, थैंक यू। कल जैसे बताया है, हम लोग 30 सितंबर 2024 दैट इज यस्टरडे, हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को 7 पॉइंट मेमोरेंडम सबमिट किया है ऑन बिहाफ ऑफ द आदिबाने केबांग यूथ विंग का साइड से। तो इसमें बेसिकली हम लोग जो
पॉपुलर आदि का सेंटीमेंट को लेके, जो हमारा आदि यूथ का एस्पिरेशन एंड ये को सब को हम लोग थ्रोरली डिस्कस करके ये मेमोरेंडम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को दिया है। इसमें नंबर वन है कंस्ट्रक्शन ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हाईवे कनेक्टिंग ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश टू स्टेट कैपिटल ईटानगर। जैसे कि आप लोग को पता होगा, अभी नामसाई से आने वाला भी, आपका सीओमी से आने वाला भी, यिंक्योंग सियांग डिस्ट्रिक्ट से आने वाला भी थ्रो पासीघाट होके बाया असम होके जाता है। तो उसमें रिसेंटली भी आप लोग देखा है दापोरिजो में एक मर्डर केस होता है, लेकिन एंटायर ईस्टर्न अरुणाचल जो कि उधर से कुछ लेना देना नहीं है, दूर दूर का कुछ ये नहीं है, तब भी हम लोग सफ़र करता है। तो इसके लिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि आपका ईस्टर्न अरुणाचल के लिए अपना कैपिटल को कनेक्ट करने वाला थ्रो फुट हिल्स अपना ही ज़मीन से अरुणाचल प्रदेश का बाउंड्री का अंदर से एक हाईवे कैपिटल को कनेक्ट करने वाला बना देना है। वो नंबर वन पॉइंट है। नंबर टू, हमारा कंपलसरी लिंकिंग ऑफ आधार विथ इपिक नंबर्स। इसमें आप लोग भी प्रेस का दोस्त आप लोग भी ये होगा, इसमें जैसे कि हम लोग मेनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो डेमोक्रेसी है इसका मेन प्रिंसिपल है एक आदमी एक वोट, वन पर्सन वन वोट, ये मोटो को लेके हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप जो फाउंडिंग पाउडर से बनाया गया है। लेकिन अभी का सिचुएशन में हमारा अरुणाचल प्रदेश में ये प्रिंसिपल हम लोग बहुत हद तक फॉलो नहीं हो रहा है बोल के हम लोग ऑब्जर्व किया है। जैसे कि आपका हमारा पासीघाट में ही बहुत सारा आउटसाइड द स्टेट से बहुत आदमी सेटल थे, तो वो लोग यहाँ बैठ के यहाँ भी वोटर लिस्ट अपना एनरोल करते हैं, यहाँ का पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, उसके बाद अपना स्टेट में भी जाके फिर वोटिंग देता है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक नोटिफिकेशन निकला था कि आधार एंड एपिक नंबर को कंपलसरी लिंकेज करना है बोल के, जिसका टारगेट 31 मार्च 2024 को था, लेकिन हमारा इधर में 100% अभी तक अचीव नहीं है। तो इसको हम लोग इलेक्शन कमीशन को भी हम लोग चिट्ठी का कॉपी को दिया है, इसको 100% ये करना है, इम्प्लीमेंट करना है आधार का इपिक का साथ लिंकेज को। इसमें एक पॉइंट और है, हमारा जैसे मैं अपना आदि कम्युनिटी का ही बारे बोलेगा, जैसे हमारा पासीघाट में मैं वोटर लिस्ट लेगा, फिर हमारा जैसे हम पांगन बोलेंग में लेगा, तो ऐसा हो कि एक आदमी दो तीन जगह वोट देने से वो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप का फाउंडिंग पाउडर्स लुक का जो प्रिंसिपल है उसको पेल करता है। इसलिए इसको सरकार जो जैसे भी करना है। नंबर थ्री, क्रिएशन ऑफ डेपु सीधी ब्लॉक एंड ए न्यू जिला परिषद सेगमेंट फॉर डेपु डेपु मौली देताक सीधो एंड कोरांग विलेजेस। आप लोग सबको पता है हम लोग का लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट एंड ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का बीच में बाउंड्री को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम भी था पहले, लेकिन हम लोग का यंग एंड डायनेमिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का इंटरवेंशन से जो इतना साल से पेंडिंग पड़ा था वो सॉल्व हो गया। सॉल्व होने के बाद ईस्ट सियांग में हमारा कोरांग सीधो डेपु डेपु मौली एंड देताक ये पांच विलेज ईस्ट सियांग का बाउंड्री का अंदर में आ गया। तो ईस्ट सियांग का बाउंड्री का अंदर में आने के बाद भी ये लोग का जो पंचायत रिलेटेड जितना भी काम है और सीडी ब्लॉक का जितना भी रिलेटेड काम है सब आपका नारी ब्लॉक का अंदर हो अभी तक है। तो इसका चलते हमारा ये पांच विलेज का पब्लिक सिटीजन वहाँ जाने से वो लोग को ये बोलता है आप लोग ईस्ट सियांग का है, ईस्ट सियांग में पूछिए, ईस्ट सियांग में आने से आप लोग का सीधी ब्लॉक नारी में है करके पेंडुलम बना के रखा है ये पांच विलेज का पब्लिक को।
तो इसको लेके हम लोग सरकार को चिट्ठी लिखा है, ये मेमोरेंडम दिया है कि ये 5 विलेज का पॉपुलेशन क्राइटेरिया भी फुलफिल होता है, एरिया वाइज भी है, और बस्ती वाला ने बाकायदा मीटिंग करके हमें रिप्रेजेंटेशन दिया है आदिबाने केबांग यूथ विंग को कि आप लोग सरकार तक हम लोग का मैसेज पहुँचाइए। ऐसा करके वो बस्ती वाला लोग का जो विलेज, ये 5 विलेजर्स का पब्लिक का सेंटिमेंट को लेके हम लोग सरकार को 3rd पॉइंट में ये मेमोरेंडम दिया है। नंबर 4, स्ट्रीमलाइनिंग द डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ APPSC एंड APSSB। पब्लिक अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और जो स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड का रिक्रूटमेंट जो ये है, इसमें आप लोग ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया है, बहुत सारा एग्जामिनेशन का डेट क्लैश हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जो आपका APPSC पब्लिक सर्विस कमीशन का TGT जो कंडक्ट होने वाला है, एंड देन जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो एग्ज़ाम MTS वगैरह का जो कंडक्ट होने वाला है, दोनों का शेड्यूल डेट आपका 10 नवंबर 2024 रखा हुआ है। और ऐसा होने से जैसे आपका हमारा यूथ लोग कोई कोई अभी जो इतना साल से आप लोग को पता है इतना साल से रिक्रूटमेंट भी नहीं हो रहा है, तो सबको देना चाहेगा अपना ये को अपॉर्चुनिटी, सब में अवेल करना चाहेगा, एग्ज़ाम तो सब में अपीयर करना चाहेगा। तो इसके लिए हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, दोनों कमीशन एंड बोर्ड को ये इंटरवीन करके एटलीस्ट एग्ज़ाम का शेड्यूल को ऐसे स्ट्रीमलाइन करना है कि दोनों का शेड्यूल डेट जो कोलाइट ना हो, सो दैट हमारा यूथ जो इंटरेस्ट है वो एटलीस्ट अपीयर करने का मौका मिले। ये हमारा नंबर 4 है। नंबर 5, क्रिएशन ऑफ स्पेशल टास्क फोर्स फॉर द फाइट अगेंस्ट ड्रग्स मैनेज। आप लोग को स्पेशली पासीघाट प्रेस क्लब को तो पता होगा हमारा इधर में ड्रग्स एब्यूज को लेके कितना सारा हंगामा हुआ है रिसेंटली, और बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन जो इन गुड फेथ और इन गुड इंटेंशन काम भी करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कुछ इवेंट्स हो जाता है उसका चलते जो विथ सिंसेरिटी विथ डेडिकेशन काम करने वाला का मोरल भी डाउन होता है। उसके लिए लाइक ABK यू डूइंग ड्यूरिंग आवर प्रीवियस टेन्योर, हम लोग भी ये इशू को टेकअप किया था। अभी जैसे वासे लुक कर रहा है, और रिसेंटली अभी जैसे हमारा भाई गुमन मिर्जे कर रहा है, तो आप जब ड्रग्स एब्यूज और ड्रग्स मैनेज का ये में काम करेगा सोसाइटी में, तो उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड सिविल सोसाइटी तीनों का तालमेल होके काम जब तक नहीं करेगा, ये चीज जो फ्यूचर में भी प्रॉब्लम होते रहेगा। आप जैसे आप अभी एक पेदलार को हमारा हम लोग ABK यू डूइंग पकड़ा, तो वो पेदलार को हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस को साथ में कॉन्फिडेंस में लेके चलना पड़ेगा, उनको सौंपना पड़ेगा। तो सिंगल विंडो कनेक्ट होना है, आपका जो सिविल सोसाइटी का जो मेंबर्स है जो ड्रग्स एब्यूज का बारे में काम करता है, जो इंटरेस्ट है और जो सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, वो लोग को एटलीस्ट ये फैसिलिटीज़ मिलना है कि आप वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इन इमरजेंसी सिचुएशन इमीडिएटली वो लोग का साथ कॉन्टेक्ट कर सके। इसीलिए हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट किया है कि आप एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट करना है, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेंबर होना है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से मेंबर होना है, एंड सिविल सोसाइटी का जो ड्रग्स एब्यूज़ का अगेंस्ट में जो काम कर रहा है वो लोग को इंक्लूड करके आप टास्क फोर्स क्रिएट करना है, सो दैट यूनाइटेडली ये मैनेज को हम लोग फाइट कर सके। नंबर 6, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर पेडी। आप लोग देखा होगा हम लोग का स्पेशली सियांग बेल्ट जो आदि इनहेबिटेड एरिया से हम लोग बरसों से जो प्लेन एरियाज में तो वेट कल्टीवेशन करता है, लेकिन पहाड़ इलाका में भी हम लोग जूम में भी करता है, और जूम का बाद में जो जहाँ ये है पहाड़ में भी इवन हम लोग टेरेस कल्टीवेशन भी करता है।
तो हम लोग बेसिकली एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है हमारा आदि सोसाइटी एंड नॉट ओनली आदि सोसाइटी, हमारा एंटायर स्टेट ही उस तरह का है। तो इसमें हम लोग का मेन क्रॉप जो है हम लोग पेडी कल्टिवेट करते हैं मैक्सिमम फार्मर जो। तो इसमें अभी का सिचुएशन, अभी का पोजीशन, हम लोग जितना भी आप धान उगा के जितना भी राइस प्रोड्यूस करो, आप जो मार्केट का जो प्राइस है वो आपका इन्वेस्टमेंट से कोई बहुत ज़्यादा लो है। तो ऐसा हो कि आप से सपोज आप एक खेती करेगा, उसमें आप 1,00,000 इन्वेस्टमेंट करेगा, आपका प्रोड्यूस से आप कम्प्लीटली सेल आउट करने से भी आप उधर से 50,000-60,000 ही आप अर्न करता है। तो इसमें फार्मर्स लोग स्पेशली हमारा अभी का यूथ्स लोग डिस्करेज हो रहा है और हम लोग आपस में भी बात करता है कि अभी का ज़माना में जो खेती करता है वो लोग बुद्धू है बोल के। इनफैक्ट जो ये हम लोग डिमांड कर रहा है इसको करने से अप टू लार्ज एक्सटेंट जो हमारा एक्सटेंसिव ये जो खेती का ये जो इम्प्रूव हो जाएगा हम लोग का ये मानना है। इसलिए हम लोग बाकी क्रॉप को नहीं बोलता है, एटलीस्ट पेडी को, राइस को सरकार जो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना है, सो दैट अगर मार्केट में 400 रुपया है लेकिन उसका राइटफुल प्राइस जो अगर 1,000 रुपया है तो उसको सरकार देना है। और ये चीज़ जो आपका डेवलप स्टेट में नहीं है, हमारा इंडिया में भी आपका पंजाब हरियाणा जो ये में नॉर्थ इंडियन स्टेट में सब में लागू है। तो इसको हम लोग सरकार को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को स्पेशली हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको पायलट प्रोजेक्ट का तौर पर हमारा एबीके यूथ विंग का रिक्वेस्ट को मान देने से ठीक है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट 7 नंबर लिफ्टिंग ऑफ सीरियल नंबर 5 ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑर्डर नंबर इमान आप लोग को हम कॉपी सब करेगा बाद में, इश्यूड एनओसी इश्यूड टू एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पासीघाट। आप लोग को पता है हमारा एंटायर आदि बेल्ट में प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है जो असेंबली अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का थ्रो पास होके आया है, उसमें एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पासीघाट इकलौता यूनिवर्सिटी जो अभी काम कर रहा है आदि एंटायर आदि एरिया में। रिगार्डिंग दिस इसमें हम लोग का ये यूनिवर्सिटी को लेके हम लोग ये किया है, इसमें आपका जैसे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने बहुत सारा ऑर्डर का थ्रो हम रिफरेंस आपको जो मेमोरेंडम में दिया हुआ है, रिफरेंस लिया हुआ है उसमें आप लोग को कॉपी मिल जाएगा, बहुत सारा गवर्नमेंट ऑर्डर का थ्रो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ नामसाई डिस्ट्रिक्ट में है, हिमालयन यूनिवर्सिटी पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में है, नॉर्थ ईस्ट नर्सिंग कॉलेज एंड हॉस्पिटल साइंस निर्जुली में है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग ईटानगर में है, इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंस जीरो में है। तो ये सब कॉलेजेस को सब को हमारा राज्य सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एनओसी इशू किया है बीएससी नर्सिंग का कोर्स स्टार्ट करने के लिए। और एनओसी इशू करके सब में कोई राइडर नहीं है, बाकी क्राइटेरिया को फुलफिल करके इनटेक कैपेसिटी में कहीं भी किसी भी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा जो लोन यूनिवर्सिटी आदि एरिया का जो लोन प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एपीयू का ऑर्डर में एनओसी में इसका इनटेक कैपेसिटी को 30 में रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो हम लोग इसी को लेके हमारा ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मेमोरेंडम में यही रिक्वेस्ट किया है कि जैसे आप बाकी जगह का जो यूनिवर्सिटी को एलो किया है, हमारा जो सिंगल यूनिवर्सिटी है इसको भी एट पार विथ डेम, वो लोग से ज़्यादा दो नहीं बोलते हैं लेकिन एटलीस्ट इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ भी इनटेक कैपेसिटी को रेस्ट्रिक्शन नहीं करने से तीखे बोल के हम लोग रिक्वेस्ट किया है। थैंक यू।